एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्रा रसोई। आज मैं बना रही हूँ स्वीट पकोड़े, एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। वीडियो शुरू करने के पहले, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, तो जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए देखते क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। ये जन्माष्टमी स्पेशल रेसिपी है। जो इंडिया के बाहर रहते हैं, राइप प्लम उतना अवेलेबल नहीं होते, तो ये राइप प्लम बड़ा के सब्स्टिट्यूट रेसिपी है, जिसको बंगाली में बोलते हैं तालेर बड़ा, उसके सब्स्टिट्यूट रेसिपी है ये। तो चलिए देखते हैं। मेन इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए वो है राइप बनाना और कोकोनट क्रश। तो मैंने यहाँ पे वन राइप बनाना, बहुत ही जो पक गया था वो बनाना ले ली है, और मैंने यहाँ पे ली है क्रश्ड कोकोनट, ये मेजरमेंट कप का 1 कप, और इसी मेजरमेंट कप का 1/2 कप मैदा, और 8 to 10 स्पून पाउडर शुगर, ऑयल टू फ्राई, 2 इलायची एंड 15 पीसेस कैशू, और मुझे चाहिए 1/4 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/4 टेबल स्पून सौंफ, एंड मिल्क चाहिए थोड़ा सा। मैं इलायची का पाउडर बना लूँगी। तो हमारा कार्डमम पाउडर रेडी हो गई है। अभी मैं कैशू को भी ऐसे थोड़ा सा क्रश कर लूँगी, एकदम पाउडर नहीं चाहिए, थोड़ा सा इसको तोड़ लूँगी। देखिए रेडी हो गई है। मैंने यहाँ पे एक बोल ले ली है, अभी केला को स्मैश कर लूँगी एक फॉर्क की मदद से। अच्छे से स्मैश कर लूँगी कि कोई लम्स ना रहे। देखिए ऐसे मैंने स्मैश कर ली है। अभी मैं क्रश कोकोनट ले लूँगी 1 मेजरमेंट कप का 1 कप, और इसके साथ मिलाना है। मैंने ऐड किए कैशू भी, जो मैंने क्रश कर ली थी। मैदा ऐड कर रही हूँ, मेजरमेंट कप का 1/2 कप। इलायची पाउडर, अभी मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर थोड़ा सा, थोड़ा सा मिल्क, फिर ऐड कर लूँगी शुगर पाउडर 10 टेबल स्पून। अभी थोड़ा सा सौंफ मिला लूँगी, फिर मिला के अच्छे से बैटर बना लूँगी। अभी मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, यहाँ पे दे रही हूँ ऑयल। अभी मैं एक एक करके पकोड़े को ऑयल में फ्राई कर लूँगी।
सब ऐसे करके दे दूंगी। अभी देखिए उल्टा कर दिया, अपोजिट साइड को भी मैं फ्राई के लिए। देखिए फ्राई हो गई ये बोथ साइड गोल्डन ब्राउन, तो मैं इसको उठा लूँगी। और जब फ्राई करोगे आप तो धीमे आंच पे फ्राई करना, नहीं तो अंदर कच्चा रहेगा और बाहर जल जाएगा। फ्राई करके मैंने उठा दिया। अभी मैं इसको गार्निश कर लूँगी थोड़ा सा क्रश्ड कोकोनट ऊपर देके मैं गार्निश कर रही हूँ। तो रेडी हो गई हमारे स्वीट पकौड़े। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं एंड शेयर कीजिए जितना हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।